in our last discussion we have discussed about online retailer so today now we are going to discuss about the stages that will help in devising and implementing online retail strategy so we all know that it is actually a step by step process which will help actually the retailer in identifying specifically how he is going to take what he is going to take the actions accordingly and we have complete set of steps in front of us let me take you through all these steps one by one so first of all we have the point which is the online retailer need to be sure that there is a customer base entrusted in your having an online retail business who will shop online why he will shop and what they do exactly when they will buy from you सो सब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है यू नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी रिटेल स्ट्रैटी बनाने से पहले स्पेसिफिक पॉइंट के हवाले से कि कस्टमर क्यों आपके पास आएगा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए और व्हाट अट्रैक्शन यू विल क्रिएट फॉर हिम ताकि वो आपके पास आए और आपके पास आके शॉप करे आपके रिटेल स्टोर से चूज करे सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर यू एस रिलेटेड टू यूर ऑनलाइन बिजनेस बेशक वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो बेशक वो सर्विस से रिलेटेड हो बेशक वो आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड हो सो यू रिय नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दिज यू एस पीज ताकि कस्टमर क्लियरली आइडेंटीफाई कर सकें अपना कोर ऑब्जेक्टिव वाइल शॉपिंग फ्रॉम यू दूसरा स्टेप विच इज द सेकेंड स्टेज इज दैट देर देर टू ऑप्शन इन स्टार्टिंग आउट आर ए गोइंग फ्रॉम द स्टोर बेस्ड रिटेलिंग

कि हमारे पास फ़िज़िकल स्टोर मौजूद हैं पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो की है खाडी स्टोर की है बाटा की है जिनके फ़िज़िकल स्टोर मौजूद हैं और इस तरह की और हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिनके फ़िज़िकल स्टोर मौजूद हैं और नाव दे आर गोइंग फॉर दी ऑनलाइन रिटेल स्टोर तो क्या आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है या आप सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करना चाहते हैं एंड देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग इनटू टू दी मे बी स्टोर बेस्ड लोकेशन जिस तरीके से अमेजॉन ने किया सो अमेज़ॉन स्टार्टेड विद द ऑनलाइन बिजनेस एंड देन नाउ दे एम मूव टू द फिजिकल स्टोर्स तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के ऊपर ये आइडेंटिफाई करना रिटेल स्ट्रेटी बनाते वक्त कि आप किस मॉडल को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं क्या वो नंबर ए है जिसमें आप एक फिजिकल स्टोर बना के ऑनलाइन की तरफ मूव करने जा रहे हैं या ऑप्शन नंबर टू है जिसके अंदर आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर से ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तीसरी स्टेज तीसरा अहम पॉइंट जो कि यहाँ पे हमारे सामने है दैट इज़ यू हैव टू सेलेक्ट अ वेब एड्रेस विच मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई ऐसा कोई यूनिक क्रिएटिव इनोवेटिव अपना यू एड्रेस जो कि बहुत ईजीली कस्टमर के लिए कन्वीनिएंट हो सर्च करना भी आइडेंटिफाई करना भी और ऑफ कोर्स वो अपनी एक यूनिकनेस भी रखता हो इस हवाले से ताकि आपके बिज़नेस की रिकगनीशन भी हो सके क्योंकि बाज़ात ऐसा है कि एक किसी पर्टिकुलर यूआरएल को जिसको आप चाहते हैं ऑलरेडी उसके बहुत सारे वो यूआरएल ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से मौजूद होता है तो इट इज़ वेरी हार्ड पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड ओवर वन बिलियन यू आर एल इस टाइम के ओवर रजिस्टर्ड है ओवर वन बिलियन इसका मतलब ये है कि प्रॉबीबिलिटी ऑफ यूनिकनेस के लिए यू रियली नीड टू वर्क कि मुझे कौन सा क्रिएटिव यू आर एल जो है वो क्रिएट करना है ताकि मेरा कस्टमर भी मुझे जान सके मेरी अपनी आइडेंटिटी भी एज ए ऑनलाइन रिटेल बिजनेस क्रिएट हो सके और एट द सेम टाइम मुझे ये भी जहन में रखना है कि मैं एक अपनी पहचान क्रिएट कर सकूँ फोर्थ स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं जिसके अंदर बड़ा क्लियरली मैंशन है दैट यू नीड टू डिज़ाइन दी वेबसाइट थ्रू डू इट योर सेल्फ सॉफ्टवेयर विच मीन्स कि आपकी साइट जो है वो यू कैन ईजिली मैनेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद योर ओन सेल्फ इसी तरीके से बात है योर वेबसाइट डिज़ाइन मज डू फार मोर देन

जिस तरह से बाज़ लोग बाज़ वेबसाइट्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हैं तो क्या कस्टमर को उस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है अगर वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है सो दे शुड क्रिएट सच अ वे कि कस्टमर बहुत ईजीली जो प्रोडक्ट वो चाह रहा है उन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट में से अपनी पसंद की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके निकाल सके सर्च कर सके ताकि ईजीली सर्च इंजन वगैरह की फैसिलिटी मौजूद हो तो डू इट यूर सॉफ्टवेयर या डू इट योर वेबसाइट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब हम बात करते हैं ऑनलाइन रिटेल बिजनेस के हवाले से फिफ्थ स्टेज की तरफ हम आते हैं सो दी द रिटेलर मेक एंड सिक्योर ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शन हैं पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव में जैस कैश ईजी पे इजी पैसा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर केमो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी ऐसी हैं पेमेंट सोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में एक रिटेलर ऑफर कर रहा है टू द कस्टमर सो so, जब भी आप ऑनलाइन रिटेल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं सो यू नीड टू ऑफर लॉट ऑफ पेमेंट सोल्यूशन टू द कस्टमर एंड मेक श्योर कि ये सारे पेमेंट सोल्यूशन जो हैं वो सिक्योर हैं किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं ऐसा ना हो कि वो अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स फॉरवर्ड करें और कल को उसको इसके कंसिक्वेंसिस को फेस करना पड़े सो इंटरनेशनली पे पॉल ये बहुत ज़्यादा फेमस है और अगेन पा पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में भी आज के दिन में नहीं अवेलेबल लेकिन यह है कि आप इस तरह के तमाम डिफरेंट पेमेंट सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ आते हैं स्टेज की तरफ सो दे हैव लॉजिस्टिक्स इन प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड शिपिंग merchandise. so have shippers lined up, monitor order fulfillment and inventory, and they need to coordinate all online transactions. so very important point which they need to see about the logistics. so quickly इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो कस्टमर क्योंकि आज के दिन में ऑनलाइन रिटेलर से एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट उसके घर पर डिलीवर और कस्टमर को इजीली बिल्कुल सही कंडीशन में जिस तरह का प्रोडक्ट उसने एक्सपायर किया था उसी की तरह का प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो ज ऑनलाइन रिटेलर वेयर हाउसिंग के हवाले से लॉजिस्टिक्स के हवाले से शिपिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एवरी थिंग शुड भी डन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हम दे नीड टू प्रोमोट द वेबसाइट एज मच एज पॉसिबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर्च इंजन ऑप्टमाइजेशन के थ्रू गूगल के थ्रू और डिफरेंट तरीके से जिस तरह पॉसिबल हो सके ऑनलाइन रिटेल स्टोर को आपको अपने फॉरन ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग के थ्रू आपने उसको प्रमोट करना है बेशक आप उसे ऑफलाइन प्रमोट करें बेशक आप उसे ऑनलाइन प्रमोट करें इसी तरीके से आफ्टर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं सोशल मीडिया विच मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एस एम एम की तरफ आपको फॉरन मूव करना है विच इज द इजिएस्ट सोल्यूशन एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन कि जहाँ पर आप बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोगों को व्यूज़ बढ़ा सकते हैं लाइक्स बढ़ा सकते हैं शेयर्स बढ़ा सकते हैं कस्टमर को एक्सेस कर सकते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द की स्टेप्स लास्ट स्टेप क्विकली हम आते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमारे पास लास्ट स्टेप है कि जो भी काम आपने किया है वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू मईर योर परफॉर्मेंस एंड यू नीड टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी जहाँ पर आपको लगता है कोई फ्लॉज हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग से रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड डिलीवरी से रिलेटेड जिस मर्जी तरीके से आप समझते हैं कि हमारे पास गैप्स क्रिएट हो रहे हैं फ़ौरन द फर्स्ट प्रियॉरिटी इज़ कि हम उन गैप्स को कवर करें गैप्स को इम्प्रूव करें कस्टमर की देखें कस्टमर कहाँ कहाँ सफ़र कर रहा है और अकॉर्डिंगली फ़ॉन उसके ऊपर एक्शन लें तो ये सारे नौ स्टेप्स नौ स्टेजेस ऐसी हैं जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन रिटेल स्ट्रेटजी में एक कंप्रिहेंसिव रोल अदा करती हैं कंप्रिहेंसिव अपना किरदार अदा करती हैं